न जाने जिया कहां से ऐसी चालें चल रही थी। Who was advising her and how was she being so clever? Or was she just lucky? लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इस दौर में मैं बहुत पीछे रह गई थी। और अगर बात लक की थी, then why the fuck was I not lucky? Myra, for God's sake, यार, open the door. At least give me a chance to explain, यार. Leave, Karan. तुम भी बाकी लोगों की तरह निकले गद्दार. Two-faced liar. Myra, एक मौका तो दो. Okay. मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं, देन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। नाउ कैन यू प्लीज ओपन द डोर। यू हैव 5 मिनट्स। कैन आई कम इन? व्हाट इज इट? Apparat mi baby, te extraño macho baby, no me dejes solo baby, realmente necesito. Priya ke haath hi photos lag gaye. Oh my god. Tum sahi keh rahi thi. Priya kisi bhi had tak ja sakti hai. Meri shaadi, meri family, wo to sab tabah kar degi. What do we do now? Is waqt to baazi Priya ke haath mein hai. We have to accept that. Jab tak ke koi chaal na mil jaye jisse hum baazi palat sake. We have no choice but to lie low. So what, she's my fucking boss now? वो हर कोशिश करेगी मुझे परेशान करने का। I fucking know it. I don't know what to say. Nothing. तुम जाओ अपने बीवी के पास वापस घर और लॉयल हस्बैंड बनने का नाटक जारी रखो। चाइनीज में एक प्रोवर्ब है, we don't make new mistakes, we repeat our same mistakes twice. I'm like that. I don't know why I trust fucking guys like you to do my job. मैम, yep. जिया मैडम ने आपको बुलाया है। Let the show begin. Hello. What is it, Jia? I asked you to come over. Okay. And yes. Get the sales file of Separate Extreme. Follow me. Where are we going? Wherever I want. क्या मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट में भी आओगी? एक्सक्यूज मी, हियर्स अ फाइल यू आस्क्ड फॉर। मायरा, डोंट हैव द टाइम टू लुक एट इट राइट नाउ, लेट्स डू इट टुमारो। सिर्फ स्टेयर ही करते रहेंगे या फिर कुछ कहेंगे भी? मैं स्टेयर नहीं, स्टडी कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं देखी, तो मुझे पता ही नहीं हार होती कैसी है। हाउ डज इट फील टू लूज? एंगर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, मायरा तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है एंड इट्स नॉट सूटिंग यू।
What are you going to do about it? जिया ने सिर्फ एक बाजी मारी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। That's the fighting spirit. Hope. I like it. मुझसे गलती हुई है, मैंने उसे underestimate किया, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। खेल शुरू उसने किया है, खत्म मैं करूंगी। Now, that's the matter I was waiting to see. वरना मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं किसी गलत घोड़े पे तो दांव नहीं लगा दिया मैंने। मुझ पे ना सही, बट अपने चॉइस पे तो भरोसा कीजिए मिस्टर प्रभु। ये रेस तो मैं ही जीतूंगी। कभी कभार अपनी सही चाल के लिए वेट करना पड़ता है मायरा। जो आज अपने आप को सूरमा समझ रहे हैं, बहुत जल्द तकलीफ उनको भी होगी। जानती हूँ जिया, पापा ने एजुकेशन के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मुझे MBA कराने के लिए लंदन भेजा था। ये देखो, ये वही की तस्वीरें हैं। वाह, पापा खुद आए थे मेरे ग्रेजुएशन डे पर। फिर जब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बारी आई तो पापा ने बेटों को चुना बेटी के मुकाबले। प्रिया, वो यू नो व्हाट जिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसके साथ थी, लेकिन इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम अब किसके साथ रहना चाहती हो। आई एम अ वेरी पैशनेट वुमन जिया एंड अ पजेसिव वन टू। यू आर ईदर ऑल माइन और नॉट माइन एट ऑल, यू डिसाइड। प्रिया, यू नो व्हाट, आई एम विथ यू राइट नाउ। और रही बात नील की, तो वो मेरे लिए पहले भी मैटर नहीं करता था और अब भी मैटर नहीं करता। I just love you and only you. Really? Yes. Can I come in? Oh, of course. Please, please, please come in. कल काफी फोन किए थे तुमने, कुछ काम था? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था, बस यूं ही मिलने आया था, पर तुम घर पर नहीं थी। मैं प्रिया के साथ थी। रात भर? हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हारी जिंदगी। एग्जैक्टली, इट्स माय लाइफ। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। मैं एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं रहा हूं। और मैं दे भी नहीं रही हूँ, सिर्फ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। लुक, मेरा और प्रिया का रिलेशन जो है, दैट्स माय प्राइवेट लाइफ। आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को भी इस चीज को बताने की कोई भी जरूरत है। लुक नील, You've been a great support, a great help, and I'll forever be grateful for that. मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त देखा है, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं। I'm sorry if I've given you any wrong ideas. नहीं नहीं जिया जी, कोई गलतफहमी नहीं, और अगर कोई गलतफहमी हुई भी है तो वो मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जिससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। So, we're good. मैं श्योर करता हूँ कि आपको मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक्स जिया। देखो, तुमने मुझे दोस्त कहा है, इसलिए दोस्ती के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुमने मायरा के खिलाफ ये जंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि मायरा गलत थी, लेकिन इस जंग को लड़ते लड़ते इतनी मत खो जाना कि तुम में और उसमें कोई फर्क ना रह जाए। इन अदर वर्ड्स, Do not become the monster you're fighting against. Can I come in? Come in. Myra, I know जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, you don't deserve that. But I have an offer.
What offer? तुम इंडियन कोला कंपनी को तो जानती हो, क्यों ना तुम अपना ट्रांसफर वहां ले लो, तुम्हें सेम जिया वाला पोस्ट वहां मिलेगा एंड दैट वे ना तुम्हें किसी जिया से डील करनी होगी ना प्रिया से, फ्री माइंड होके काम कर सकती हो जस्ट द वे यू वांट। तो तुम चाहते हो कि मैं इस कंपनी से दूर चली जाऊं? दैट्स नॉट व्हाट आई वांट, बट इन दिस सिचुएशन ये हम दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मैं जिया से हार मान जाऊं? ओके, इसे तुम अपनी हार या जीत मत समझो, तू वहां पे उतनी ही कामयाब रहोगी जितनी की यहाँ पे। तो और इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं सिपित से भी दूर हो जाऊंगी और तुमसे भी दूर हो जाऊंगी। थैंक्स बट नो थैंक्स। फाइन, आई विल टेक योर लीव, और जो ऑफर मैंने दिया है थिंक अबाउट इट। जी कर रहा था सारी दुनिया को जला दूं, फकिंग कटलेस करण, और वो ओमकार प्रभु वो मुझे पेशेंट रहने को कह रहा था। इट्स डिफिकल्ट टू बी पेशेंट व्हेन एवरीथिंग यू वर्क्ड फॉर इज कमिंग टू एन एंड। मैं फोन करके करण के ऑफर को एक्सेप्ट करने ही वाली थी कि मिरेकल, माय पेशेंस पेड ऑफ। This is to inform to every member of the Sabharwal group that our beloved founder, Mr. Shrikant Sabharwal, has passed away. He suffered a cardiac arrest last night. The company shall remain closed for a day in honor of Mr. Sabharwal. Our prayers are with the Sabharwal family. My heartfelt condolences for the family. Well, Shrikant Sabharwal ji ke will ke mutabik maine sare arrangements kar diye, but ha, ek letter hai jo mujhe aap sabke samne padhna hoga, aur ye unki antim ichha bhi thi. Main apne bachcho se ek baat kehna chahta hu. I'm proud of you all, Akash, Karan, Priya. Maine zindagi mein jitni bhi daulat kamai, shohrat kamai, uske piche mera sirf ek hi maqsad tha कि मेरे परिवार को वो सारी खुशियां मिले जिनके ऊपर उनका हक है। मगर अफसोस है तो सिर्फ एक बात का कि मेरी दौलत ने ही मेरे बच्चों में दरार पैदा कर दी। इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है, जिस वजह से प्रिया और करण के बीच में नफरत पनप रही है, मैं वो वजह को ही मिटा दूंगा। मैंने सबरवाल ग्रुप में मेरे जितने भी शेयर्स हैं वो सारे आकाश के नाम कर दिए हैं। मैं जानता हूं कि आकाश को कंपनी में कभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो चाहे तो सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारे शेयर्स किसी को भी सौंप सकता है, फिर चाहे वो प्रिया हो या करण, उसका फैसला ही मेरा फैसला होगा। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। किस बात के? सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो दरवाजा खोलने में जल्दी नहीं करनी चाहिए।
थैंक यू मिस्टर प्रभु। What a surprise! पापा के विल की रीडिंग थी आज। How could he do it? He just so unfair. He's always been. Priya, baby, calm down. हुआ क्या है? Dad ने अपने कंपनी के हिस्से के सारे शेयर्स आकाश को दे दिए। तो इसमें बुराई क्या है? In fact, तुम्हारे और आकाश के बीच में balance of power equal रहेगा। नहीं जिया, तुम आकाश को नहीं जानती। वो शेयर्स अपने पास नहीं रखने वाला। Dad also knew. He has started another war between me and Karan. आकाश के शेयर हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। What? I didn't like the way you treated me, and I definitely didn't like the way Chia treated me. तुम दोनों ने कंपनी में मेरी इमेज गिरा दी। हमारे बीच जो था वो एक पल में खत्म कर दिया, और जिया ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो इफ यू वांट माय हेल्प टू विन दिस बैटल अगेंस्ट प्रिया, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। I'm listening. I want to be the CEO of Sabharwal Group.